अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर से जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पिछले चैप्टर में लाइट में हमने सीखा कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी लेंस के थ्रू पास करती है सो वो अंडरगो करती है द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस चैप्टर में हम उसी लाइट के कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके ये एनालाइज करेंगे कि हम कैसे अपनी आई से अपनी आसपास की चीज देख पाते हैं। आई जो हमारी होती है बेसिकली ह्यूमन आई वो भी एक लेंस कंटेन करती है उसके अंदर, और उस लेंस के थ्रू जब लाइट रे पास करती है सो वो एनेबल करती है कि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे सराउंडिंग में है उन्हें प्रॉपरली देख पाए। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं और ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं बट उनके पीछे का रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, या फिर जब रात में हम स्टार्स देखते हैं तो इट दे अपीयर्स ट्विंकलिंग टू अस कि वो ट्विंकल कर रहे हैं बट एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं, उसके बिना उसके पीछे भी एक फिनोमिना होता है। दैट ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो इस चैप्टर में जो पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्टडी से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन आई में ऐसे कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली देख पाते हैं। सो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे एक ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करके दिया रखा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। ओके, हमारी ह्यूमन आई कुछ इस टाइप की होती है। ओके, एंड देर इज अ स्फेरिकल शेप लाइक दिस। ओके, और उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेंस, इसको हम बोलते हैं आई लेंस। ये हमारी ह्यूमन आई में जो लेंस होता है दैट इज द लेंस। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है लाइक सिलेरी मसल्स है, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, योर आयरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। द आई हैज नियरली स्फेरिकल शेप। जो ह्यूमन आई होती है वो हमारी बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होती है। द आई बॉल हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 inch। वन इंच नियर अबाउट कितना होता है? अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। सो जो हमारी ह्यूमन आई होती है ये स्फेरिकल शेप होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस स्फेरिकल शेप का जो डायामीटर होता है स्फेरिकल शेप फ्रॉम द सेंटर द कंप्लीट डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल शेप इज ऑफ 1 inch, इज ऑफ 1 inch, जो कि हमारी होती है नियर बाय 2.3 सेंटीमीटर इन साइज। द फ्रंट पोर्शन इज मोर शार्पली कर्व्ड एंड इट इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आई की जो फ्रंट मेम्ब्रेन होती है वो एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव कवर। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपके आईज में एक डस्ट पार्टिकल जाता है या फिर कोई स्मोक पार्टिकल जाता है या कुछ भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंटर करने की कोशिश करता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी आई ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अगर हम डायग्राम में देखें सो कॉर्निया इज प्रेजेंट ओवर हियर, एकदम ह्यूमन आई का फर्स्ट थिन मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हम जिसको बोलते हैं
दैट इज कॉर्निया, जिसका जिसकी मेन फंक्शनैलिटी होती है टू प्रोटेक्ट आर आईज फ्रॉम द अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकता है, या कुछ भी जो भी हमारी आई में एंटर करने के लिए कोशिश करेगा उससे अपने हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है दिस थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. बिहाइंड कॉर्निया के पीछे देर इज अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. हमारी जो आईबॉल होती है वो उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. एंड बिहाइंड दैट देर इज अ क्रिस्टलाइन आईलेंस, जो नॉर्मल हमारी आई का आईलेंस होता है. एंड बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस देर इज अ मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आयरिस. और इस एक्वस ह्यूमर और आईलेंस के बीच में एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसको हम बोलते हैं आयरिस. एंड उस आयरिस में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल. ओके, सो अगर हम इस डायग्राम में प्रॉपरली देखना चाहें तो दिस इज द आयलेंस जो सबसे पीछे है. उसके आगे हमारी सिलरी मसल्स हैं यहाँ पे, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली वो होती क्या है. यहाँ पे दिस पोर्शन में हमारा एक लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. बाय द वर्ड एक्वस मीन्स इट्स रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ फ्लूइड और ह्यूमर इज द लिक्विड. तो यहां पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. और इधर ही हमारी आयरिस होती है, दिस इज द आयरिस. सो इस आयरिस में एक्वस ह्यूमर भरा होता है और उसके इधर एक होल होता है, इस आयरिस के बीच में एक होल होता है, दिस इज द होल, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल. सो आयरिस कंटेन्स एक्वस ह्यूमर और यू कैन से आयरिस इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर और आयरिस के बीच में दिस इज द होल, दिस इज द होल. ये होल बेसिकली क्यों है, ताकि जो लाइट रे है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन प्रॉपरली एंटर इन आवर आईज. ओके, आईलेंस. अगर लाइट रे हमारे आईज में एंटर ही नहीं कर पाएगी तो वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली. सो उसके लिए जरूरी है कि हमारे आई लेंस के साथ लाइट रे का कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि प्यूपिल करता है. एंड दिस आई लेंस टेक्स द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट इट बैक टू द रेटिना. यहां पर एक स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना. सो रेटिना वो पोर्शन होता है आई का बेसिकली जहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, दैट वी कॉल एज एन रेटिना. सो द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. हमने यहां देखा है डायग्राम में कि बेसिकली कॉर्निया के पीछे हमारा क्या था, आयरिस, और आयरिस कंटेन करता है एक्वस ह्यूमर. वैसे ही लेंस के पीछे भी हमारा एक लिक्विड फिल्ड होता है इस पोर्शन में, दिस पोर्शन ऑल्सो कंटेन अ लिक्विड जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर. सो हमें कंफ्यूज नहीं होता है, दो टाइप के लिक्विड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है. एक्वस ह्यूमर होता है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, और लेंस के पीछे होता है, आई लेंस के पीछे होता है हमारा विट्रस ह्यूमर. ओके, द कर्वेचर ऑफ लेंस इज ऑल्टर्ड बाय सिलरी मसल्स. आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारी आई होती है उसके सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट होता है, और उस ब्लैक स्पॉट को अगर आप और ध्यान से देखें तो उसके सेंटर में भी एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है. सो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी आई पे एक डायरेक्ट टॉर्च से लाइट मारूं, तो उससे क्या होगा,
एक लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आपके आय में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी जो आय है वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक बेसिकली उसके सेंटर में जो वो ब्लैक स्पॉट है वो बेसिकली श्रिंक हो जाता है, सो दैट ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर आवर आईज, जिससे कि एक छोटी अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारे आय में एंटर कर सके, ताकि हमारी आय प्रोटेक्ट रहे, उसको कोई डैमेज ना हो। और अगर डार्कनेस होती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक डार्क रूम में हैं या फिर आप एक ऐसे रूम में हैं जिसमें लाइट थोड़ी कम है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जो ब्लैक स्पॉट है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, ताकि थोड़ी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर कर सके, सो दैट वी कैन एबल टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली। सो ये जो श्रिंकेज है एंड एक्सपेंशन है ऑफ दैट ब्लैक स्पॉट ऑफ द आई लेंस, दैट कंट्रोल्स बाय अ मसल कॉल्ड सिलरी मसल्स। अगर हम डायग्राम में देखें तो सिलरी मसल्स हमारी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस ही है। इन केस अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करती है, सो इट विल क्लोज इटसेल्फ, ताकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारे आई लेंस में एंटर करे और रेटिना पे इमेज फॉर्म करे। और इन केस अगर लो अमाउंट ऑफ लाइट रे हमारी आई में एंटर कर रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट विल एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स मूव अवे फ्रॉम द लेंस, ताकि थोड़ी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर सके, सो दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म ऑन रेटिना। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, श्रिंकिंग एंड एक्सपेंशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। जितनी लाइट रे हमारी आईज में एंटर कर रही है उसके अमाउंट पर डिपेंड करके ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है या एक्सपेंड कर लेता है। नेक्स्ट है, द लाइट एंटरिंग द आई फॉर्म्स अ इमेज एट रेटिना। सो रेटिना हमारे आई में एक स्क्रीन की तरह काम करता है। अगर मैं इसकी पोजिशन आपको दिखाऊं इन द डायग्राम, सो इट इज दिस पोर्शन ऑफ योर आई, दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज रेटिना। और रेटिना एक स्क्रीन की तरह होती है, जब भी कोई लाइट रे आईलेंस से पास होती है, दैट इट कन्वर्ज लाइक दिस एंड फॉर्म्स अ इमेज एट दिस प्लेस कॉल्ड रेटिना। और रेटिना ही वो प्लेस है जिससे सिग्नल हमारे माइंड तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है जो भी लाइट रे हमारी रेटिना पे फॉर्म फॉल कर रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट कलेक्ट्स द सिग्नल फ्रॉम इट एंड पास इट थ्रू द ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द विच ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। सो ये है कंप्लीट फंक्शनैलिटी कि हमारी आई बेसिकली प्रॉपरली कैसे वर्क करती है। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light sensitive cells. So retina basically large number of light sensitive cells apne andar rakhti hai, or you can say it is nearby 125 million light sensitive cells. So it has an enormous number of light sensitive cells, large number of light sensitive cells, near about 125 million. अगर 125 million हम देखें तो it is a very large amount. It is a very large number. और इतने सारे light sensitive cells कहां present होते हैं? Retina में. Okay? और retina में भी कैसे exist करते हैं? In form of rods and cones. अब ये जो सेल्स होते हैं 125 मिलियन, ये कुछ रॉड्स होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं। अभी आपको रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि जो रेटिना होती है बेसिकली वो ऐसा
स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी आईज की, जिसपे हमारी इमेज फॉर्म होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो भी लाइट है उस पर फॉल करती है. और बेसिकली रेटिना क्या क्या अपने में इकट्ठा करके रखती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स. और यही लाइट सेंसिटिव सेल्स सिग्नल्स इकट्ठे करके ऑप्टिक नर्व को सेंड करते हैं, एंड ऑप्टिक नर्व कैरी दिस सिग्नल्स टू द ब्रेन, और ब्रेन विल एनालाइज एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द रीजन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर आई बॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. सो वो रीजन जहां पे रेटिना पे ऑप्टिक नर्व एंटर करती है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट. हम इसे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनसेंसिटिव होता है लाइट रे के. इनसेंसिटिव से हमारा मीनिंग क्या है, इनसेंसिटिव से मेरा यहां पे मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से हमारे आई में एंटर कर रही है और आफ्टर पासिंग द आई लेंस वो लाइट रे रेटिना पे फॉल कर रही है और इमेज फॉर्म कर रही है. सो ऑप्टिक नर्व हमारी यहां कनेक्टेड है एंड दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट. ये रीजन है हमारा ब्लाइंड स्पॉट. अब ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन पे लाइट रे अगर फॉल भी करे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट तो इमेज फॉर्मेशन प्लेस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट रे यहां से निकल के अगर इस रीजन पे पड़ती है सो इस रीजन में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स इनसेंसिटिव होंगे लाइट रे के. इनसेंसिटिव होंगे लाइट रे के मीन्स मेरा यहां पे मतलब ये है कि जितने भी सेल्स यहां पे होंगे वो ऑप्टिक नर्व को सिग्नल नहीं भेजेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, जो भी वो पर्सन है जिसकी भी वो आईबॉल है. सो दिस पोर्शन कंटेन्स द लाइट इनसेंसिटिव सेल्स. सो अगर इस पोर्शन पे लाइट पड़ भी रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन ऑल्सो यहां पे इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होगा. That means जितने भी सेल्स यहां पे हैं वो एक तरीके से डेड है और दीज सेल्स won't send signals to the optic nerve. So यही पोर्शन है जिस पोर्शन में अगर लाइट फॉल करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो सेल्स है यहाँ के वही सिग्नल भेजेंगे ऑप्टिक नर्व को ताकि वो सिग्नल ब्रेन तक जा सके. एंड द येल्लो स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द रेटिना फॉर सेंसिंग फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया. सो दिस इज द मैक्यूला ल्यूटिया. सो मैक्यूला ल्यूटिया इज द प्लेस दैट सेंस द फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को एनालाइज करने के लिए जो सेल्स या जो लाइट सेंसिंग सेल्स हमको चाहिए तो यहां पे होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया. और यही सेल्स दी सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजते हैं ताकि हम फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से एनालाइज कर पाए. सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल ओके ऑफ अ ह्यूमन आई. सो दीज आर सम ऑफ द मेन कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो कुछ मेन कंपोनेंट है हमारे आई बॉल के. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ द आई डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड कि आई डिफेक्ट्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ लोग स्पेक्स पहनने लगते हैं एट वेरी अर्लियर एजेस और कुछ लेटर एजेस में उनमें स्पेक्स लग जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आई डिफेक्ट. अब वो आई डिफेक्ट क्यों होते हैं दैट वी विल सी हाउ.